Hi, welcome to the Certified Technical Analysis or CTA Distance Learning Program introductory video. Ye video aap English mein bhi dekh sakte hain. You can also see this video in the English version, and there is a different link available on the same page which you can use to watch this video in English. Is program ke andar hum Certified Technical Analysis Distance Learning Program ke andar hum technical analysis se related sare details cover karte hain. And is introductory video mein अभी हम इनोबस से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कुछ बेसिक हिस्ट्री कंपनी के बारे में, हम क्या करते हैं, व्हाट आर आर की टास्क, एंड ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देंगे अपार्ट फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम. तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इनोबस के बारे में समझते हैं. इनोबस 2007 में सितंबर 2007 में फाउंड की गई थी और तब से ही सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट यानी सी टी ए सर्टिफिकेशन ऑफर करती है विद अलॉन्ग विद द नॉलेज एंड ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. ट्रेनिंग जैसे मैंने कहा कि सितंबर 2007 से ऑफर की जा रही है इनोबस द्वारा. इट वाज अ वेरी स्मॉल कंपनी, एक बहुत छोटी सी कंपनी के तरह से स्टार्ट हुई इनोबस नॉलेज सॉल्यूशंस, और अब इट इज़ नाउ अ मल्टीनेशनल कंपनी जिसकी प्रेजेंस 20 देशों से ज़्यादा है डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के जरिए. एंड 5 देशों में हमारे खुद के कंपनी ओन सेंटर्स भी चलते हैं, जिनमें श्रीलंका, मलेशिया, कुवैत और जल्द ही दुबई और यूके में भी हमारे सेंटर्स चल रहे हैं करेंटली. तो इनोबस इज़ फंक्शनल तकरीबन पिछले 4 साल से इनोबस इज एग्जिस्टेंट और 4 साल से ये ऑफर हो रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड प्रोग्राम. टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम के करंट यूज़र्स हमारे पास 20 देशों में है डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू. आपके सामने जो मैप आ रहा है, वर्ल्ड का नक्शा आ रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस दुनिया के किस किस कोने से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, और इस समय 20 देशों से हमारे पास स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं टेक्निकल एनालिसिस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए. ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जो देख सकते हैं आप हमारे क्लासरूम ट्रेनिंग सेंटर्स की, जो दुनिया के अलग अलग विभिन्न देशों और हिस्सों में चलते हैं. आप इन पिक्चर्स को देख सकते हैं, एंड ये और भी ऐसी पिक्चर्स हमारी वेबसाइट की गैलरी में अवेलेबल हैं जिनको जिनमें आप डिटेल में और भी ऐसी पिक्चर्स देख सकते हैं. इनोबस की अचीवमेंट अब तक ये रही है, हमने तकरीबन 12,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है ग्लोबली, एंड ये हमारे 12,000 स्टूडेंट्स डिस्टेंस लर्निंग और क्लासरूम के रहे हैं. इसके अलावा 20,000 तक के स्टूडेंट्स हमने वर्कशॉप सीरीज़ के थ्रू कवर किए हैं इंडिया और इंडिया के बाहर. हम जैसे कि मैंने कहा 20 देशों में हमारे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इस समय चलते हैं. हमने हमारे कंपनी ओन सेंटर्स इंडिया में 12 लोकेशंस पे हैं, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता जैसे सारे महानगरों में और छोटे शहरों में भी, एंड इंडिया के बाहर तकरीबन 5 देशों में हमारे ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं. हमने फिक्की, कोल्ड टेलीकॉम, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, डीएलएफ जैसी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की है, उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की है. और सेम समय हमने आईआईटी जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस, आईआईटी, एनआईटी जैसे कॉलेजेस में भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की है. तो अब सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिसिस अगर प्रोग्राम की हम बात करें तो ये प्रोग्राम बहुत बेसिक से चालू होता है, बहुत ही एक इंट्रोडक्टरी लेवल लगा. आपको इस समय टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल नहीं पता और आपको चार्ट्स नहीं आपने कभी यूज़ किए इससे पहले, आप पहली बार टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ सुना है आपने टीवी पे और किसी माध्यम के जरिए, और आप जानना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल उचित है और बिल्कुल ठीक है. सेम समय पे ये एडवांस लेवल टेक्निकल एनालिसिस भी कवर करता है बेसिक्स सिखाने के बाद. तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, सॉरी बेसिक्स क्लियर है और एडवांस क्लियर नहीं है, तो भी आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं, इसका चयन कर सकते हैं. बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा ग्राफ क्या होता है, चार्ट क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे प्लॉट किया जाता है कंप्यूटर द्वारा, और कैसे कंप्यूटर द्वारा उसके ग्राफ को हम किसी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट के जरिए देख सकते हैं, वहाँ से लेकर के एडवांस लेवल तक ये प्रोग्राम ऑफर किया जाता है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर, ये सबसे प्रीमियर सर्टिफिकेशन अवेलेबल है टेक्निकल एनालिसिस की CTA नाम से. तो सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, आपको सर्टिफिकेशन एग्जाम भी मिलता है, जो आपको देने के बाद आप एक सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हैं. इसकी जो डेवलपर्स हैं, कंटेंट डेवलपर्स, वो उनमें से एक मैं भी हूँ, और हमारी जो टीम है सबका एक्सपीरियंस अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 6-7 साल तक का मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करने का है. जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी कंपनीज़ के लिए हमने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, फिक्की, गोल्ड टेलीकॉम, इन सब के लिए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी टेक्निकल एनालिसिस पे ऑर्गेनाइज़ कराए हैं. इस प्रोग्राम में स्पेशल फोकस दिया जाता है इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए. अगर आप इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग कुछ एग्जाम्पल्स हम लेकर के चलते हैं, जिसमें इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग दोनों समझाई जाती है आपको. हमारी ट्रेनिंग मेथडोलॉजी बड़ी डिफरेंट है. डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम सिर्फ बुक्स के जरिए नहीं पढ़ा जाता, जैसे आप ये एक वीडियो देख रहे हैं और ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इसी तरह की ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग जिसमें ट्रेनर आपको बोल के क्लासरूम की वीडियोस दिखा करके और चार्ट को लाइव आपकी स्क्रीन पे कुछ चार्ट चल रहे होंगे वो दिखा करके एक्सप्लेन करता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में कि
टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज़ की जाती है, चार्ट आपकी स्क्रीन में आएगा, साथ में ट्रेनर की इमेज आएगी, ट्रेनर का जो ट्रेनर बोल रहा है ऑडियो सुनाई देगी आपको, और सेम टाइम पे आप उसको देख करके वो कैसे टेक्निकल एनालिसिस एक चार्ट के अंदर अप्लाई कर रहा है ट्रेनर और आपका कैसे उसको एनालाइज कर रहा है चार्ट को, आप लाइव ये चीज़ देख सकते हैं अपने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंदर। बहुत सिंपल टू यूज़ है और आपको इस्तेमाल करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। हम आपको एक कुरियर करते हैं डीवीडी, आपको बस वो डीवीडी और सीरियल की उसके अंदर डालना होता है जो साथ में मिलता है वो, उसके बाद आपका प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है। इसके बारे में भी हम और चर्चा करेंगे आने वाली कुछ स्लाइड्स के अंदर। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों ने बनाया है जिनको 6-7 साल का एक्सपीरियंस है टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हुए मार्केट के अंदर, और स्पेशल एम्फोसिस दी जाती है इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेनिंग दोनों के ऊपर। अलग अलग सेक्शंस बना दिए जाते हैं कि ये टेक्निक इंट्राडे के लिए यूज़ होती है और ये टेक्निक पोजिशनल के लिए यूज़ की जाती है। लाइव सेशंस इंस्ट्रक्टर लेड क्लासरूम सेशंस रहेंगे विद फुल ऑडियो एंड वीडियो ऑफ और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जैसे मैंने कहा कि आपकी स्क्रीन पे जैसे भी आप ये एक एग्जांपल वीडियो इंट्रोडक्टरी देख रहे हैं, वैसे कंप्लीट प्रोग्राम आपको ऐसी वीडियोस और ऐसी ट्रेनिंग के जरिए दिया जाता है। अभी जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, इसकी बजाय स्क्रीन पे आपके सामने चार्ट्स आ जाएंगे, एक ट्रेनर उसके ऊपर चार्ट्स को कैसे समझा रहा है आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, वो आपको मार्क्स बना करके समझाएगा कि चार्ट्स में कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, और ये चार्ट टेक्निकल एनालिसिस एक चार्ट को कैसे समझते हैं बहुत इफेक्टिव वे से आपको सिखाया जाता है। अगर आपको एक बार देख करके समझ नहीं आता तो वो वीडियो दोबारा प्ले करके भी देख सकते हैं। कुछ लाइव चार्ट भी हम जब मार्केट चल रही होती है उस समय ट्रेड करते वक्त भी ये वीडियोस बनाते हैं, मतलब मार्केट अभी लाइव चल रही होगी उसी समय हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आप ये स्क्रीन में करंट वीडियो देख रहे हैं उस टाइम चार्ट मार्केट चलती हुई आपको दिखेगी, और उस टाइम पर हम वही अपने टेक्निक लगा के देखते हैं तो उससे प्रैक्टिकली मार्केट में कैसे काम होता है लाइव मार्केट में, वो भी आपको साथ में देखने को मिलता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के जरिए। स्टेप बाय स्टेप हैंड्स ऑन लैब कवर्ड है, यानी वही जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप कैसे चार्ट में आपने एक टेक्निकल एनालिसिस का टूल इंप्लीमेंट करना है या कैसे वो टेक्निक इंप्लीमेंट करनी है आपको एक्सप्लेन किया जाता है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे फोकस है, 90% से ज़्यादा प्रोग्राम प्रैक्टिकल बेस्ड है, थियोरेटिकली बेस्ड नहीं है, और प्रूवन टेक्निक्स जो एक्चुअल में चलने वाली टेक्निक्स हैं, कुछ टेक्निक्स या ट्रेडिंग सिस्टम्स खुद यहाँ के हमारे डेवलपर्स, हमने खुद डेवलप किया है इनोबस में, वो भी आपको सिखाए और समझाए जाते हैं। लाइव ट्रेनिंग सेशंस 90% से ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और एक्चुअल चार्ट्स के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि मार्केट के अंदर क्या चलता है और क्या नहीं चलता। ट्रेनिंग की प्रेजेंटेशंस हैं, जैसे ये एक प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं वैसी हर एक चैप्टर की एक कंप्लीट डिटेल्ड प्रेजेंटेशन होगी जिसके जरिए आपको उसके अंदर जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी समझाया जाएगा। कोर्सवेयर इंक्लूडेड होता है जिसमें आपको वो डीवीडी और सीडी टूलकिट मिलती है, उसके अंदर आपकी ट्रेनिंग बुक, ये सब फीस का पार्ट रहता है, इसके लिए अलग से आपको कुछ चार्ज नहीं किया जाता, वो कंप्लीट टूलकिट आपको उसमें मिलती है कोर्स के अंदर। स्टडी गाइड भी होता है, एक प्रिंटेड रेफरेंस गाइड मिलता है, और आपको रिव्यू एक्सरसाइजेस हर चैप्टर के बाद आप रिव्यू कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस और चेक कर सकते हैं कि क्या आपने सीखा और क्या नहीं सीखा। अगर आप चाहें तो वो चैप्टर अगर रिव्यू करते वक्त आपको डाउट होता है तो दोबारा भी वो चैप्टर आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब कोर्स के कंटेंट्स पे आ जाते हैं, इसमें 19 चैप्टर में कोर्स का कंटेंट बटा हुआ है जो कि इंट्रोडक्शन और बेसिक से चालू होता है, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कैसे बनी, किसने बनाई, कहाँ से शुरुआत हुई, और कुछ हिस्ट्री हम पिछले 100-110 साल की हिस्ट्री देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। उसके बाद हम डिसिप्लिन पे आते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि डिसिप्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ है, इन द सेंस दैट कि डिसिप्लिन के बिना आपको चाहे कितना अच्छा टेक्निकल एनालिसिस आता हो, कितने अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम और टूल्स आपके पास हो, आप टेक्निकली फिर भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे जब तक आप डिसिप्लिन्ड ट्रेडर ना बने। डिसिप्लिन से मेरा मतलब है मार्केट जो कहती है हमें वो करना है, हमें मार्केट को नहीं बताना कि हम क्या चाहते हैं। मार्केट अगर आपको सेल की ट्रेड बताती है तो सेल की ट्रेड डालनी है, जो स्टॉप लॉस बताती है वो स्टॉप लॉस इंप्लीमेंट करना है, और मार्केट को हम नहीं बताएंगे, मार्केट हमें बताएगी, और वो जो बताती है उसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करना है। अगर मार्केट ने हमें एक जगह स्टॉप लॉस बताया तो वहाँ हमें वो इंप्लीमेंट करना है। काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि या उनको देखने को मिलता है कि अगर वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है स्टॉप लॉस लगाना हर ट्रेड में, अगर वो लगाते हैं तो उनकी दिक्कत ये रहती है कि मार्केट उनका स्टॉप लॉस आगे खाती है, हिट करती है, और फिर उनकी ही डायरेक्शन में जो उन्होंने प्लान किया था, एक स्टॉक आपने 100 रुपये पे खरीदा, वो नीचे आपका 98-97 जो भी स्टॉप लॉस है वहाँ आके खाएगी और हिट करके वहाँ से फिर ऊपर वापस चली जाएगी। तो इसलिए काफ़ी लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, पर एक गलत है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, पर स्टॉप लॉस आप कहाँ लगाते हैं ये आप मार्केट को बता रहे हैं जब आप 97 या 98 पे लगाते हैं। इसके बजाय मार्केट या चार्ट आपको बताएगा कि स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना चाहिए, वो जब आप चार्ट से पूछ के वो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ऐसा देखने में बहुत कम मिलेगा कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर जा रही है।
खैर ये एक एग्जांपल था, बट जैसे मैंने कहा डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। चार्टिंग टेक्निक्स, अगर आपने कभी पहले चार्ट ड्रॉ नहीं किया तो कितने तरह के चार्ट्स होते हैं, कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे बनते, क्या अलग अलग तरीकों से देख किया जाता है, वो कवर किया जाता है। काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को भी हम कुछ नई चार्टिंग टेक्निक्स सिखा देते हैं इसके अंदर, अगर आपको पहले से आता है तो भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेन टेक्निकल एनालिसिस हमारी चालू होती है चैप्टर नंबर 4, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। आपने अवश्य टीवी पे सुना होगा एक सर्टेन लेवल पे सपोर्ट है, एक सर्टेन लेवल पे रेजिस्टेंस है, पर टीवी पे यह नहीं बताया जाता, या जहाँ पे भी टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जहाँ पे भी आपने देखा उसमें यह नहीं बताया जाता कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला कैसे गया, या निकालना भी आप सीखे तो उसको यूज़ कैसे करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये नहीं कि 4,100 पे निफ्टी का सपोर्ट है तो 4,100 पे हम खरीद लेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस होते हैं, कहाँ सपोर्ट इंप्लीमेंट करना है, कहाँ फॉल बैक करेगा सपोर्ट, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ टारगेट रखना है, तो ये सारा डिटेल में आपको बताया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा ट्रेंड लाइन और चैनल है, ये भी मोर और लेस सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा ही है, बट ये ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ होते हैं चैनल्स और ट्रेंड लाइन, फिर ये डिटेल में कवर किए जाते हैं। चार्ट पैटर्न्स और ट्रेडिंग टेक्निक्स उसके बाद हमारे पास आती है। आपने हेड एंड शोल्डर्स, ट्रायंगल्स, इन सब का नाम शायद सुना हो, अगर नहीं सुना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अब हम जो बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पहले से नहीं पता तो चैप्टर नंबर 3 तक आपको ये क्लियर होती है, जहाँ पे हम चार्टिंग और चार्ट कैसे बनते हैं ये कवर करते हैं। चार्ट पैटर्न में हम काफ़ी सारे पैटर्न्स, तकरीबन 15-20 पैटर्न्स, इंक्लूडिंग हेड एंड शोल्डर, फ्लैग्स, पीनेंट्स, ट्रायंगल्स, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये सारे कवर करते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि एक चार्ट में कैसे आपको एक पैटर्न ढूंढना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कैसे ढूंढना है और उसके बाद उसको कैसे यूज़ करना है। अक्सर लोग चार्ट पैटर्न पर ट्रेड करना तो समझते हैं पर उसको ढूंढ नहीं पाते चार्ट में, तो ये भी बहुत डिटेल में कवर किया जाता है। फिर हम गैप्स और ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। आपने मार्केट में देखा होगा गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग होती हैं, तो इनके जरिए आप कैसे मार्केट में इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं ये कवर किया जाता है। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम अपने आप में ट्रेडिंग के लिए यूज़ एटलीस्ट हम नहीं करते, पर वॉल्यूम के जरिए ट्रेड कंफर्मेशन लिए जाते हैं, मतलब एक ट्रेड जो आपको मिल रही है, चाहे वो पैटर्न से मिल रही है, चाहे वो आपको एवरेज से मिल रही है किसी, या किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस से मिल रही है, तो वॉल्यूम के जरिए आप कंफर्म कर सकते हैं और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं अपनी ट्रेडिंग की कि वो ट्रेड चलेगी या नहीं चलेगी। मूविंग एवरेज अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम 3 या 4 तरीके से, इनफैक्ट टू बी रिलीवेंट हम 4-5 टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो कुछ इनोबस में भी डेवलप्ड है, जिनको यूज़ करके हम चार्ट्स में मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करते हैं ये समझते हैं, और उनके थ्रू कैसे कंटिन्यूड पोजीशंस बनाई जाती हैं ये एनालाइज करते हैं, जिसमें इंट्राडे से लेकर के पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे में बहुत महत्वपूर्ण रहती है मूविंग एवरेज, और इसमें हम ये भी समझते हैं कि कैसे एक 1 डे मूविंग एवरेज या 2 मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन, एक सिंगल डे मूविंग, मतलब यानी 4 दिन 8 दिन 10 दिन जो भी एक मूविंग एवरेज होती है, एक और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन, क्रॉसओवर्स कैसे यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, सिंगल लाइन क्रॉसओवर, प्राइस मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनके जरिए मूविंग एवरेज यूज़ की जाती है। जैसे मैंने कहा, अगर आपको भी कंफ्यूजिंग लगे कि मूविंग एवरेज क्या है या क्रॉसओवर क्या है, तो कंफ्यूज मत होइए, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं कोर्स के अंदर। पहले अगर आपको बेसिक समझने हैं तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर से पहले आपको ये सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, जिसके बाद ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर क्या है या ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको इजीली समझ आ जाएंगी। और अगर आप बिल्कुल नए हैं, पहले कभी चार्ट ड्रॉ नहीं किया या चार्ट नहीं यूज़ किया, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल ऐप्ट है, इसकी चिंता ना करें। अच्छा, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, जहाँ पे हम टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे। इंडिकेटर्स जैसे कि MACD, RSI, स्लो स्टॉच, विलियम आर परसेंटाइल, बोलिंगर बैंड, और ये सारे स्टॉक्स इंडिकेटर्स होते हैं जिनके जरिए अलग अलग कंडीशंस में आप इनको इंप्लीमेंट करते हैं, और जिनके जरिए मार्केट की आपको सिचुएशन और आगे का क्या आपको इनिशिएट करना है एक्शन ये पता लगता है। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स कॉम्बिनेशन में भी यूज़ होते हैं जो हम कवर करेंगे, जिसके जरिए आप अपनी ट्रेडिंग और एक्यूरेट और बढ़िया कर सकते हैं। उसके बाद हम आर्बिट्राज और हेजिंग पे आ जाते हैं। आर्बिट्राज और हेजिंग हम डिटेल्ड प्रैक्टिकली कवर नहीं करते, बट थियोरेटिकली कवर करते हैं, जिससे आप काफ़ी सिस्टम समझ आते हैं किस तरह से मार्केट में आपको अपना लॉस मिनिमाइज़ और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ये सारे काफ़ी कंसेप्ट आर्बिट्राज और हेजिंग के थ्रू क्लियर होते हैं। फिर हम आ जाते हैं कैंडलस्टिक्स पे। कैंडलस्टिक्स बेसिक एंड एडवांस दोनों करते हैं। कैंडलस्टिक्स एक चार्ट बनाने का तरीका होता है, चार्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जो आप जैसे मैंने कहा इसके अंदर समझेंगे, और कई बार ये एक दिन का चार्ट या एक दिन की कैंडलस्टिक आपको मार्केट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती है, तो वो हम एनालाइज करेंगे कैसे कैंडलस्टिक को समझ के या परख के या उसको अंडरस्टैंड करके हम कैसे मार्केट का जो आगे आने वाला पीरियड है वो कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर एक बॉक्स ट्रेडिंग सिस्टम आता है, चैप्टर नंबर 13। ये नॉर्मल बॉक्स ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है जो आपने इंटरनेट पे देखा होगा या नेट पर इसके बारे में पढ़ा होगा, ये एक सेल्फ डिवाइस्ड इनोबस में ही डेवलप्ड बॉक्स ट्रेडिंग सिस्टम है।
स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम, या मैं कहूँगा स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम्स, क्योंकि इसमें हम तीन से चार टेक्निक्स कवर करते हैं जिसके जरिए एक स्विंग बेस्ड मार्केट मान लीजिए अगर रेंज बाउंड और एक रेंज में ऊपर नीचे घूम रही है, स्विंग्स दे रही है, उसको कैसे स्टडी किया जाता, कैसे ट्रेड किया जाता है, उसके ऊपर स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम में कवर करते हैं। फिर 1-2-3 ट्रेडिंग सिस्टम आता है। 1-2-3 ट्रेडिंग सिस्टम में हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं एक नए ट्रेडिंग सिस्टम की। अगेन ये 1-2-3 ट्रेडिंग सिस्टम इनोबस के साथ यहाँ पे इनहाउस डेवलप्ड है और इंटरनेट पे जो वर्जन मिलते हैं उससे बहुत अलग है। नॉर्मल फिब लेवल्स को यूज़ करके हम मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। मार्केट मान लीजिए एक एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पे गई, चाहे ऊपर चाहे नीचे, पर वाई पॉइंट से जब वो वापस एक्स की तरफ बढ़ेगी या गिरेगी या एंटी मूवमेंट देगी तो कहाँ तक जा सकती है नीचे या ऊपर की तरफ, वो प्रिडिक्शन में फिब लेवल्स और अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने में काम आते हैं। ये पिवट पॉइंट काफ़ी लोगों ने सुना है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत इफेक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं कुछ सर्टन कंडीशंस अगर मीट हो तो। और पिवट पॉइंट्स यूज़ करके सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे के निकले जाते हैं, उसी तरह से पिवट पॉइंट को हम यूज़ करके पोजिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली और डेली लेवल पे भी निकालते हैं, मंथली लेवल पे भी निकालते हैं, और इनके जरिए भी ट्रेडिंग की जाती है। इलियट वेव थ्योरी उसके बाद आती है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है और ये इतनी ज़्यादा इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में यूज़ नहीं होती है जितना थोड़ा लॉन्गर टर्म में यूज़ की जाती है। एंड फाइनली ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, अगर आपने कभी पहले कॉल एंड पुट का नाम सुना है तो हम इसी की बात कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम कॉल पुट को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है ये देखते हैं। अगर आपको अभी कॉल एंड पुट के बारे में नहीं पता तो मैं बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप इंटरनेट पर इसके बारे में गूगल पर सर्च करें और पता करें कॉल और पुट क्या है, बिकॉज अगर सही तरीके से एक अच्छी स्ट्रैटेजी कॉल और पुट में बनाई जाए तो इसमें रिस्क बहुत कम और रिवॉर्ड बहुत अच्छा निकाला जा सकता है, बहुत अच्छा रिटर्न पैसों का निकाला जा सकता है मिनिमम से मिनिमम रिस्क करके। पर अगर इसमें आपको गलत इन्फॉर्मेशन है या अच्छी नॉलेज नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप अपने पैसे ये भी ध्यान रखें कि बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं अगर सही तरीके से कॉल इनपुट को ना इंप्लीमेंट किया जाता है। तो हम यहाँ पे तकरीबन कुछ 10-15 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो डिस्कस करेंगे, और एक फेमस गोल्ड माइन है हमारे पास जिसको हम गोल्ड माइन टेक्निक कहते हैं, वो एक स्पेशल टेक्निक है जो इनोबस में यहाँ पे हमारे ट्रेनर्स ने डेवलप की है, वो भी हम डिस्कस करते हैं कैंडल कॉलर पुट के बारे में जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में पढ़ेंगे फाइनली, उसके बाद हमारा कोर्स कंटेंट कंप्लीट होता है। ये कोर्स सूटेबल है या अपॉर्चुनिटीज जो आपको ये देता है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, BTST बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो वाले कंसेप्ट में बहुत हेल्प करता है, ऐसी ट्रेड दे सकता है, और पोजिशनल लॉन्ग टर्म कॉल्स में भी। बट यहाँ लॉन्ग टर्म मैं आपको स्पेसिफाई कर दूँ, जब मैं लॉन्ग टर्म बोलता हूँ मेरे लिए लॉन्ग टर्म एक साल से ज़्यादा नहीं है, टेक्निक एज अ टेक्निकल एनालिस्ट या एज अ टेक्निकल ट्रेडर। जब हम एक साल से ज़्यादा के ड्यूरेशन के लिए टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं तो मैं आपको क्लियर करूँ कि टेक्निकल एनालिसिस की एफिशिएंसी या एक्यूरेसी एक साल से ज़्यादा के ड्यूरेशन में कम होती जाती है। तो इसका मतलब टेक्निकल एनालिसिस जो एक शॉर्टअप पीरियड के लिए जितना इफेक्टिव होगा वो कम उसकी एक्यूरेसी हो जाएगी एक साल से लंबे ड्यूरेशन के लिए, वहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इफेक्टिव रहती है हमारे पास। एट द सेम टाइम इस की लर्निंग्स जो इसमें से हम ये आउटकम कोर्स करने के बाद आप जो निकाल सकते हैं वो ये है, अगर आपको चार्ट अभी समझ नहीं आते तो चार्ट और ग्राफ को आप इजिली समझ पाएंगे। आप तीन तरह की मार्केट्स में बाय और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाएंगे, मोमेंटम बेस्ड मार्केट यानी मार्केट जब डायरेक्शनल होती है चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, आप तब बाय और सेल अपॉर्चुनिटीज निकाल पाएंगे। रेंज बाउंड मार्केट, मार्केट अगर किसी रेंज में फंसी हुई है वहाँ पे भी आप बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हो। और फाइनली आप मार्केट का ट्रेंड समझने में कामयाब रहेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ट्रेंड मतलब मार्केट किस डायरेक्शनल है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई और उसके हिसाब से ट्रेड करने में, ट्रेड विद द ट्रेंड और ट्रेंड इज योर फ्रेंड जिसे हम कहते हैं, वो वाली फिलोसफी यहाँ पे आपको बहुत इफेक्टिव रहेगी। ट्रेडिंग डिसिप्लिन आप समझ जाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझ जाएंगे, और एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाया, कस्टमाइज सिस्टम बनाया और इंप्लीमेंट किया जाता है ये भी समझेंगे। ट्रेडिंग डिसिप्लिन और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोर्स में, से ना सिर्फ आप टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज़ की जाती है समझते हैं, आप ये भी समझते हैं कि एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए मार्केट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको टेक्निकली सब कुछ आता है टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, बहुत सारी टेक्निक्स आती है, फिर भी आप इनइफेक्टिव रहेंगे यूज़ करने में या प्रॉफिट कमाने में, जब तक आप एक ट्रेडर की करेक्ट साइकोलॉजी, ग्रीड और फेयर जैसे लालच और डर जैसे इन सेंटीमेंट्स को जब तक अपने आप दिमाग से दूर नहीं करते तब तक एक करेक्ट साइकोलॉजी नहीं बन पाती। तो इसमें हम काफ़ी सारे ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, एक्सरसाइजेस यूज़ करते हैं इस कोर्स में जो आपको एक सही ट्रेडिंग साइकोलॉजी या सही ट्रेडर की साइकोलॉजी देने में मदद करती है। सबसे बढ़िया बात यह है इस कोर्स की कोई स्टार्टिंग और एंडिंग डेट नहीं है, आप जब चाहें इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं और जब चाहें इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जितनी बार चाहें इस वीडियोज़ को देख सकते हैं, इसके अपडेटेड वर्जन आपके पास आते रहेंगे। एंड जैसे कि मैंने कहा कि कोर्स एंड की कोई डेट नहीं है, जितनी बार देखें जब चाहे देखें, एक बार आप आज एक दिन के लिए 2 घंटे फ्री हैं 2 घंटे देखिए, कल 1 घंटे फ्री है, किसी भी टाइम दिन को रात को आप फ्री होकर के वीडियो देख सकते हैं और इस कोर्स को रिज्यूम या कंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी समय पर किसी भी वक्त कहीं पर भी। एक कंप्यूटर की आवश्यकता है सिर्फ आपको,
एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी है, आप के पास दो अटेम्प्ट रहते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन डेट की एक साल तक कभी भी आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं सीटे का। एग्ज़ाम क्लियर करने पे आप सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट बन जाते हैं और उसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। जैसे मैंने कहा दो अटेम्प्ट आपको उसके मिलते हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन एक साल तक एक्टिव रहती है आपके प्रोग्राम अप्लाई करने के बाद, एक साल तक कभी भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोर्स मटेरियल जो आपको मिलेगा ऑर्डर करने के बाद वो एक DVD टूल किट होगी जिसमें ये सारी, जैसे मैंने कहा एक सीरियल की डलने के बाद सारी वीडियोस लाइव रिकॉर्डिंग्स वगैरह आती हैं, एक रेफरेंस बुक मिलती है आपको CTA की और वीडियोस विद सारे एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स जो मार्केट में रिकॉर्डेड हैं चलने वाले की मार्केट में उस टाइम लाइव ट्रेडिंग करके हमने जो रिकॉर्डिंग किए हैं वो सारे, और ट्रेडिंग टूल एक स्पेशली जो हमने डेवलप किया है आपको DVD के अंदर मिलता है। DVD के अंदर प्रोग्राम के थ्रू वो आप डेवलप किया जा सकता है और काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं इन हाउस जो कवर की जाती हैं, काफ़ी सारे जैसे मैंने आपको बताया था गोल्ड माइन है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ में, 1-2-3 ट्रेडिंग सिस्टम, बॉक्स ट्रेडिंग, ऐसे काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो इन हाउस डेवलप्ड हैं वो आपको एक्सप्लेन की जाती है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट बहुत आसान है, आप कभी भी चाहें तो ऑनलाइन इस प्रोग्राम को खरीद सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। आप हमें चेक या डिमांड ड्राफ्ट, कुरियर या हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। चेक बनते हैं इनोबस नॉलेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से। आप हमारे दिल्ली के सेंटर में आकर के कैश पेमेंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और जैसे कि मैंने कहा पेमेंट बहुत आसान प्रोसेस है, अगर आप चाहें तो ये चेक, डिमांड ड्राफ्ट हमें कुरियर भी कर सकते हैं। सपोर्ट, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास ऑनलाइन सपोर्ट दो जरियों से रहता है। जो आपको DVD मिलती है जिसके थ्रू आप सारा ट्रेनिंग लेते हो, वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है DVD के अंदर ट्रेनिंग का, उसी सॉफ्टवेयर में एक लिंक रहता है ऑनलाइन ट्रेनर सपोर्ट का। तो जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें ट्रेनर आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, बट उस सबके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मुझे क्लियर नहीं है अपार्ट फ्रॉम दी FAQs जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट दी जाती है, सबके अलावा भी अगर आपको लगता है मुझे कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप ऑनलाइन ट्रेनर असिस्टेंस के लिंक पे जा करके ट्रेनर से लाइव असिस्टेंस या हेल्प ले सकते हैं। आपको इसके अलावा आप हमारे पास, आपको ज्वाइन करने के बाद एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा जिस पे आप कभी भी 24 घंटे कॉल करके ट्रेनर से लाइव बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन और टेक्निकल असिस्टेंस दी जाती है। अब वी हैव कम टू एन एंड, हम इस वीडियो के एंड पे आ गए हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो के। अगर आप कोई भी डाउट या आपको कोई भी सजेशन है अगर आपके, तो आप मुझे ankit.obroy@innobuzz.in पे ईमेल कर सकते हैं। हमारी अगर आपने सेल्स टीम को ईमेल करना है तो आप info@innobuzz.in पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है टेक्निकल एनालिसिस के डिस्टेंस प्रोग्राम से रिलेटेड या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो हमारी वेबसाइट पे एक इंक्वायरी फॉर्म है, वो इंक्वायरी फॉर्म आप फिल करते हैं और विदिन 24 आवर्स आपको हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आएगा जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कराएगा और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको कोई भी सजेशंस है तो आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं और मैं आपकी जो भी क्वेश्चन होगा उसको आंसर करने में बहुत मुझे अच्छा लगेगा वो आंसर करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने अपना बहुत कीमती समय निकाल के वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड विशिंग यू अ वेरी गुड एंड हैप्पी लर्निंग एक्सपीरियंस। थैंक यू।